कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदुओं एवं सिखों की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया तथा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा सीमा पार से आतंकवादियों का घुसपैठ कराने वाले पाकिस्तान का झंडा जलाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक धक्का और दो पाकिस्तान को, एक धक्का और दो पाकिस्तान को, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक धक्का और दो पाकिस्तान तोड़ दो, एक धक्का और दो पाकिस्तान तोड़ दो, एक धक्का और दो पाकिस्तान तोड़। देखिए, वो एक केमिस्ट था, फार्मेसिस्ट था, दवाइयां देता था, और जितने लोगों को दवाइयां दे रहा था उसमें से मुख्यतः ज़्यादातर मुस्लिम थे। उन लोगों ने उसके बाद भी आकर उसकी हत्या कर दी। इतना ज़बरदस्त आतंकवाद का माहौल रहा, उसके बाद भी वो अपने सेवा भाव को छोड़कर नहीं गया। ऐसे बिंद्रु जी के साथ में इस तरह से घटना हुई। हम स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं, हम प्रिंसिपल हैं, एक सिख हैं हम, और हम वहाँ के प्रिंसिपल हैं। हम वहाँ पर हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें आकर गोली मार दी जाती है। हम वहाँ पर टीचर हैं, हम एक हिंदू पंडित हैं और हमें आकर गोली मार दी जाती है। ये क्या संदेश है? ये जिहादी मानसिकता कहाँ लेकर जा रही है? और जो इनको सीमा पार से कंट्रोल कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये संदेश है कि हमारा देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सिखों का, हिंदुओं का अपमान, उनका इस तरीके से बलिदान हम नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर देश सेवा के लिए तत्पर हैं, हम देश रक्षा के लिए तत्पर हैं, और ऐसी जिहादी मानसिकता को हमारा संदेश है कि अपने आप को यहाँ से पैक करो, देश से बाहर जाओ, नहीं तो हम यहाँ पर आपको ख़त्म कर देंगे। पर जो ये सीमा पार से, सीमाओं से आतंक को परोसा जा रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या दे रहा है। पाकिस्तान को एक जवाब देने की आवश्यकता है, बालाकोट फिर से करने की आवश्यकता है। हम इसी मांग के साथ में अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पर आज दिल्ली के काफ़ी स्थानों पर बजरंग दल की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसा प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद अब चुप नहीं रहेगा। ऐसी जिहादी मानसिकता को हम पनपने नहीं देंगे, ऐसी जिहादी मानसिकता इस देश में नहीं रह सकती है। ये हमारा संदेश उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह की जिहादी मानसिकता लेकर के जैसे भाई साहब ने बताया, जो प्रिंसिपल को मारा गया, जो सिख वहाँ पर पूरे इस काल में रहे, उस महिला का आईडी देख करके फिर उसकी हत्या करी गई, तो उसे चलता है पता कि मानसिकता किस तरह संकीर्ण हो चुकी है उन लोगों की। और ये मानसिकता तब तक चलती रही, अब तक पाकिस्तान परली पार से हम इनकी मदद करता रहेगा। आज का हमारा आंदोलन इसी बात के लिए जो पूरे भारतवर्ष में है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, कि जिससे ये मानसिकता रोकी जाए, उनको करारा जवाब दिया जाए, बालाकोट की तरह करारा जवाब अगर नहीं दिया गया तो फिर दोबारा ये होता रहेगा। वहाँ जो रह रहे हैं हिंदू और सिख रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करी जाएगी? हमारे सुरक्षा बल रोज कर रहे हैं काम, रोज हम रोज कर रहे हैं, इस तरह के जो हत्या हो रहे हैं रोकने के लिए हमें लगता है बालाकोट में चाहिए। आज विश्व हिंदू परिषद ने यह संदेश दिया कि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ कश्मीर में रह रहे हिंदू समाज के साथ खड़ा है। 2021 में 1990 को नहीं दोहराया जा सकता, जब कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बन गए।